So today we are going to discuss this Priksha meditation. Priksha meditation के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि Priksha meditation Jainism के अंदर आचार्य महाप्रज्ञा जी ने 20 साल गहन तपस्या करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक Priksha, एक ध्यान के ऊपर एक ऐसी औषधि निकाली जिसका नाम Priksha meditation है। और ये एक ऐसा साइंटिफिक वे है हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट और द बेनिफिट इम्पैक्ट फ्रॉम दिस मेडिटेशन। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कुंडली जागरण या और बहुत सारी फॉर्म्स हैं मेडिटेशन की, बट ये जो Priksha meditation है ये एक साइंटिफिक, मेडिकली प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड मैथडोलॉजी है मेडिटेशन की टू गेट अ मैक्सिमम इफेक्ट ऑन माइंड बॉडी एंड सॉइल। इसी बेस के ऊपर आज जैन विश्वभारती यूनिवर्सिटी जो लाडनू में है इस पे बहुत डीपली इस पे कोर्स करवाते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं जिसका नाम Priksha meditation है। Priksha meditation का मतलब, Priksha mean deep meditation, मतलब ध्यान। जब हम अंदर डीप जाके उसका ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, अपने अपने मन को स्थिर करने की विधि को, अपने मन की चंचलता को कंट्रोल करने की विधि को हम Priksha meditation कहते हैं। कहते हैं कि अगर मन आपने कंट्रोल कर लिया तो सारा ध्यान कंट्रोल। गुरु नानक जी ने गुरबानी के अंदर बहुत अच्छी लाइन दी थी कि मन जीते जग जीत, जिसका मन कंट्रोल में आ गया वो पूरी दुनिया पे जीत कर सकता है। तो आज मेडिटेशन, Priksha meditation कैसे होती है उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। मेडिटेशन, Priksha meditation जाने से पहले कुछ प्री कंडीशन है, प्री प्रेपरेशन ऑफ द मेडिटेशन, Priksha meditation। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आसना। First one has to go for the asana, and there are four different asana. One is a sukhasana, padmasana, ardhapadmasana and vajrasana. जिस किसी आसन में भी लंबे समय तक अगर आप comfortably बैठ के यह ध्यान कर सकते हो उस आसन में आप बैठ सकते हो। The second step is मुद्रा फॉर मेडिटेशन। तो इसमें दो मुद्रा है, एक है वीतराग मुद्रा जिसमें क्या है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रख के अंगूठों को जोड़ के उंगलियां जुड़ी होनी चाहिए, नाभि के नीचे हाथों को अगर रखें तो इस मुद्रा को आप फॉलो कर सकते हैं। सेकंड मुद्रा इज ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर को थंब के साथ कनेक्ट करेंगे, उंगलियां दोनों सारी जुड़ी होनी चाहिए। सो दैट द फ्लो ऑफ द एनर्जी शुड बी इनसाइड योर बॉडी, इट शुड नॉट बी गो आउट। सो फर्स्ट इज वीतराग मुद्रा, सेकंड इज ज्ञान मुद्रा। नाउ दिस थर्ड वन इज मेडिटेटिव मुद्रा, दैट मीन यू नीड टू क्लोज योर आईज वेरी सॉफ्टली एंड जेंटली, दैट इज अ कॉल्ड मेडिटेटिव मुद्रा। द नेक्स्ट स्टेप इज द साउंड। हियर साउंड इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टू गेट योर बॉडी इन टू दैट मेडिटेटिव स्टेट। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, वन इज कॉल्ड अहरम, A-R-H-A-H-R-A-M। सो इसमें कैसे है, अहरम आपने नाभि के नीचे अह आ का उच्चारण करना फॉर 2 सेकेंड, एंड इफ पॉसिबल देन आई मीन कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्लू कलर। देन द सेकेंड वन र, दैट यू नीड टू बाय प्रोड्यूसिंग अ साउंड र, and you have to concentrate on your heart kendra, anahat kendra, center of bliss or hriday chakra pe, is pe dhyan dena hai for 4 seconds। then ma ka uchcharan jo karna hai throat, gale ke is kanth pe aapne uchcharan karna hai, this is called vishuddhi chakra, center of purification for 6 seconds, and then go this concentration up to the forehead, that is the your jyoti chakra, for to this up to gyan chakra up to 2 seconds। so if you calculate this time period it will be a 14 seconds for one round, take a 9 rounds of this recitation of ahram word। then the second one is mahaprana dhvani, that is the recitation of
word ma, it should be from your, take a deep breath and recite this ma and put your maximum concentration on your throat. There should feel the vibration. There should be a very good vibration, that is a ma vibration, which enhance the blood supply. The capillary level of blood supply will get enhanced by producing the sound of ma on your Vishuddhi chakra, and this should be, and just go for, repeat this for 9 times. After this sound recitation, the next one is Dheya Sutra. There is a one sutra that is called Dheya Sutra, that is Sampitha Apaga Mapainam. I repeat, Sampitha Apaga Mapainam. This is a mixture of Prakrit Bhasha and Sanskrit Bhasha. It means that I need to see myself with my own eye. I need to see the soul with my own soul. Swayam ko dekhe, atma ke dwara atma ko dekhna. This is the ultimate, you know, the purpose of meditation, that one has to see from soul to his own soul. So now, after the Dheya Sutra, the next step is resolution. Resolution, that means एक संकल्प लेना. Meditation करने पे हम कोई भी काम करते हैं, हम एक resolution लेते हैं. Even आप घर में, घर से जब निकलते हैं तो आपका target होता है कि मेरे को office पहुंचना. Same इस तरह जब हम meditation कर रहे हैं तो एक संकल्प है, एक resolution है, and that संकल्प is I am practicing this Priksha meditation for the purification of mind, body and soul. Now, after all this, these are the 6 steps of the pre-preparation of Priksha meditation, which I can summarize for you. It is easy for everyone to remember, that is A, M, again M, S, D, R. These are the 6 steps, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A means asana, M means meditative mudra or mudra for meditation. This is meditative mudra. S means the sound, the recitation of a sound, that is a two sounds, but one is aharam, the second one is mahaprandhani. D is the Dheya Sutra, R is the resolution or the sankalp. So this is the 6 step of the pre-preparation of Priksha meditation. Once that these six steps you have gone through, the next step is to actually go into the meditative life, Priksha meditation. The very first step is called Paisar Kaya Sar. That means the auto-relaxation of the body. Kaya means sharir or body, sar means usko tyagna, apne sharir ko tyagna by giving some sort of a certain procedure, that you need to stand still of your body. Aapki spine jo hai seedhi honi chahiye, gardan ko seedha rakhe, then breathing pattern ko thoda sa under control rakhe, then aapka jo aap ek instruction apni body ko from toe to head tak de ki slowly wo relax ho jaye. Like that, or ek movement aayegi when automatically, this is the auto, you know, suggestion to a body to get relax your body. That is called Paisarg. The second step is Antar Yatra. Now you need to travel your journey from Shakti Chakra to Gyan Chakra. In Jainism, there are 17 chakra. The Mooladhar Chakra is called Shakti Chakra. After a 4 finger, there is a chakra called Swasthya Chakra. And then after 4 finger, that is the navel part is called Tejas Chakra. And this is, and on a heart, on the thymus, this is called Heart Chakra or Anant Chakra or Center of Bliss or Anahat Chakra. Then if you go on the top, this throat region is called Vishuddhi Chakra or Center of Purification. And on this tongue, this is called Brahma Chakra. Then on this
on this nose, on the center of two nostrils is called pran chakra. Then this ear, that is called aparma chakra. This is the chakshu chakra. Then this is the center where the woman used to put their bindi, is called darshan chakra. On the top, on the forehead, this portion is called Shakti Chakra, and where the this jahan pe aurte sandoor lagati hain, apna tika lagati hain, that is called Shanti Chakra. On the top it is called Gyan Chakra. So there are 13 chakras. Now we have to travel ourselves antar yatra mein, we have to travel only two chakra, from Shakti Chakra to Gyan Chakra, and through spinal cord, and feel the vibration, and this movement should be, first you start with the Shakti Chakra to go Gyan Chakra, and then Gyan Chakra to Shakti Chakra. Repeat this, and then after that concentrate your breathing pattern on the Shakti Chakra. Feel the vibration on the spinal cord and you will feel a lot many change. Your body get relaxed slowly and you will be, your body will be very light. You can feel the feel of lightlessness, total light. जैसे बाहर है ही नहीं, फैदर की तरह, एक पंख की तरह हल्की होती है. Then this keep on continue. The third step is a breathing pattern. Now you need to concentrate on your breathing pattern. That is, one first is a deep breathing. You need to breathe very, deep, so that your stomach should go out when you breathe in. And breathe out when your stomach, you can feel that your stomach is squeezing inside when you breathe out. Make this in a different, many round. It is breathing, deep breathing. The second breathing pattern is called alternative nostril breathing, that is alone blown. That from the left nostril to right nostril, right nostril to left nostril. Everybody knows this, how to do this alone blown or alternative breathing pattern. So the very third step, fourth step is the concentration on Jyoti Chakra. This lalhat, the forehead of the brain, one has to concentrate, feel that there is a white color. And white color kaisa, jaise Purnima ki chand ki tarah bright white color ka ehsaas feel karna hai. और फील करना है कि ये जो व्हाइट लाइट के छोटे छोटे कान हैं जो आपके पूरे फेस पे, देन ये बॉडी के अंदर जा रहे हैं और धीरे धीरे पूरा शरीर आपका उस चमकती हुई सफेद रंग से भर गए हैं. और धीरे 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 आपने इसको फील करना है बॉडी में, एंड देन स्लोली कम आउट एंड टेक थ्री लॉन्ग डीप ब्रीथ. And in this particular step, you can change the asana. Aap asana ko change kar sakte ho. Then the last step, that is conclusion. Conclusion ke samapan vidhi pe hum teen sutron ka ucharan karte hain. First is called Vivek Sutra. That means Vivek Sutra, agar iske naam pe hi hum jaye to Vivek Sutra matlab humne ye jo pura process kiya hai, ये इसलिए किया है कि हमारे आचरण में, हमारे स्वभाव में, हमारे हमारे विचारों में, हमारे विवेक के अंदर चेंजेस आए. इसकी पहली लाइन है, अपना सच में से जा मैं हुए सुकपै. द सेकंड लाइन इज अहंसु विजा चरणं पमोखम. That means I am practicing this to come out from all the wrong things. मेरे विचारों में शुद्धि आए और मैं इसकी practice करूँ. The next is a शरणम. शरण उच्चारण. हाँ, विद्या और का हम अनुशीलन करें. और next is शरणम सूत्र. The शरणम सूत्र. आर हंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि कर्ये प्रणतं धर्मं शरणं पवजामि. That means I am thanking you, I am going into the refuge of all the Rishi, Muni, Sadhu, Santon ki sharan mein.
मैं जा रहा हूँ, और उन सब का तमाम उन सब धर्म इन साधु संतों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये सब हमें वो दिया। द लास्ट सूत्र दट इज कॉल्ड श्रद्धा सूत्र, दट इज वंदे सच्चम। वंदे सच्चम यू वन हैज टू आई मीन ऑन ए एक एक आसन है, वंदे बंद आसन में आना है, यानी वज्र आसन में होके अपने घुटनों पे खड़े होके दोनों हाथों पे जोड़ के अनहद चक्रा पे लाके आपने आगे को शीश नरवाना है, और बाय सेइंग दिस वंदे सच्चम, वंदे सच्चम दिस शुड बी फॉर थ्री टाइम। दिस इज ऑल अबाउट द the compact capsule for the Pariksha meditation, and thank you so much. Before I go for end of this, just like a pre-preparation, there are the 6 steps, and for this there are 5 steps for the this thing, that is K A D, then has J C. first Kaiser, A अंतर यात्रा, the internal journey of your body, B is a breathing pattern, J is the concentration on Jyoti Kendra, and C is the conclusion where we have just recited the 3 mantra, that is a Vivek Sutra, Sharanam Sutra and Shraddha Sutra. This is all about the Pariksha meditation. And I'm sure whosoever will practice will get a different kind of experience, and it will be a very, very change. One can see a very good change in his body, mind and soul. Thank you very much.